हेलो किड्स, लेट अस रीड द स्टोरी टुडे विद दीदी। द नेम ऑफ आवर स्टोरी इज चुनू एंड मुनु। लेट अस प्ले नाउ। द ऑथर्स आर शांतदास मनंदर एंड शिल्पी प्रधान। ऑथर यानी जिन्होंने स्टोरी लिखा है, तो ये स्टोरी दो लोगों ने लिखा है। इलस्ट्रेटर इज अबीन श्रेष्ठा। इलस्ट्रेटर यानी जो पिक्चर्स बनाते हैं स्टोरी में। ट्रांसलेटर इज ब्रायन कवनग। ट्रांसलेटर यानी जो स्टोरी को अलग अलग लैंग्वेज में बदलते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसलेटर, जो एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलते हैं। ओके, नाउ लेट अस रीड द स्टोरी अहेड। हु डू वी प्ले विथ? Let's play with friends. What shall we play with? Let's play with stones. Yani, who do we play with? Kiske saath hum khelenge? Let's play with friends. Hum log khelenge friends ke saath. What shall we play with? Hum kiske saath khelenge? Let's play with stones. Hum log khelenge stones ke saath. Who do we play with? किसके साथ खेलेंगे हम? Let's play with friends. हम लोग खेलेंगे friends के साथ. What shall we play? क्या खेलेंगे हम? Let's play on the swing. हम झूले पे खेलेंगे. Who do we play with? किसके साथ खेलेंगे हम? Let's play with our younger sister. हम लोग हमारी छोटी बहन के साथ खेलेंगे. What shall we play? क्या खेलेंगे हम? Let's skip with our rope. हम लोग हमारे रस्सी के साथ कूदी मारेंगे. Who do we play with? किसके साथ खेलेंगे हम? Let's play with our brother. हम लोग हमारे भाई के साथ खेलेंगे. What shall we play? क्या खेलेंगे हम? Let's play on the slide. हम लोग खेलेंगे स्लाइड पे. Who do we play with? किसके साथ खेलेंगे हम? Let's play with our older sister. हम खेलेंगे हमारी बड़ी बहन के साथ. What shall we play? क्या खेलेंगे हम? Let's ask riddles. हम एक दूसरे को अलग अलग सवाल पूछेंगे. Who do we play with? किसके साथ खेले हम? Let's play with our cousins. हम लोग हमारे जो चचेरे या ममेरे भाई बहन है उनके साथ खेलेंगे, उन्हें कहते हैं cousins. What shall we play? क्या खेलेंगे हम? Let's play hide and seek. यानी हम छुपन छुपाई खेलेंगे. Who do we play with? Find a friend. किसके साथ खेलेंगे हम? एक दोस्त ढूंढते हैं. एंड इफ यू आर अलोन, और अगर आप अकेले हैं, किक द चुंगी बॉल विद योर फीट. चुंगी बॉल को अपने पैरों से किक करें. व्हाट इज चुंगी बॉल? अ बॉल मेड विथ रबर बैंड्स. रबर बैंड्स को मिला के एक साथ जोड़ के एक बॉल बनाया जाता है, जिसको कहते हैं चुंगी बॉल. आप चाहें तो इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और अपना खुद का चुंगी बॉल भी बना सकते हैं. Now, yay! We have read the story. हमने स्टोरी पढ़ लिया है. Now, let us try and answer the questions. अब हम कोशिश करेंगे और questions को answer करेंगे. जब आप ये questions लिख रहे हैं, write down both questions and answers in your notebook. आपको notebook में questions भी लिखने हैं और answer भी लिखना है. मैं आपको अभी questions read करके questions के meaning समझा रही हूँ. आपको इनके answers खुद से लिखने हैं. What is the name of the story? Story का नाम क्या है? तो आप आंसर में लिखेंगे the name of the story is, ये डैश में आप फिल करेंगे जो भी स्टोरी का नाम है. What are the characters in the story doing? स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? What are they doing? ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है कोई एक. फाइटिंग,
क्या वो फाइट कर रहे हैं, प्लेइंग, कुकिंग और स्टडिंग, जो भी सही ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। विच गेम आर द कजिन्स प्लेइंग टुगेदर, कौन सा गेम है जो कजिन्स एक साथ खेल रहे हैं, तो आपको आंसर में लिखना है द कजिन्स आर प्लेइंग डैश गेम, यहाँ पे आपको गेम का नाम लिखना है। वॉट आर द फ्रेंड्स प्लेइंग विथ, फ्रेंड्स किसके साथ खेल रहे हैं, आपको स्टोरी में ढूंढना है कि फ्रेंड्स कौन सी वो चीज है जिसके साथ खेल रहे हैं और आपको वो यहाँ पे लिखना है। आपको ये पूरा सेंटेंस अपने नोटबुक में लिखना है और यहाँ पे आपको खुद से आंसर फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी में से आपको ये ढूंढना है ये कहाँ लिखा है और यहाँ पे जो आएगा वो आपको स्टोरी से फिल करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डू द कैरेक्टर्स लुक इन द स्टोरी, स्टोरी में कैरेक्टर्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको, सैड, एंग्री, हैप्पी, जेलस, जो भी सही आंसर है आपको वो टिक करना है। विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले डैश, तो आपको ये आंसर अपने नोटबुक में लिखना है, आपको जो भी गेम खेलना पसंद है। हाउ डू यू फील व्हेन यू डू नॉट प्ले, व्हाई, आपको कैसा फील होता है जब आप खेलते नहीं है और ऐसा आपको क्यों फील होता है, तो आप आंसर में लिखेंगे आई फील डैश, यानी जैसे भी आपको फील होता है, बिकॉज डैश, ओके, यानी उसकी वजह। वेयर डू यू गो टू प्ले, आप खेलने कहाँ जाते हैं, कैन यू ड्रॉ द प्लेस वेर यू प्ले, क्या आप वो जगह ड्रॉ कर सकते हैं जहां आप खेलते हैं। ऑल्सो ड्रॉ योर फ्रेंड्स हुम यू प्ले विथ, और जिन फ्रेंड्स के साथ आप खेलते हैं क्या आप उन्हें भी उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको अपने नोटबुक में ये ड्रॉ करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक प्लेइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, व्हाई, क्या आपको लगता है बच्चों के लिए खेलना जरूरी है, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों नहीं, तो आपको व्हाई बताना है। सो आप आंसर में लिखेंगे आई थिंक डैश, यानी कि आई थिंक प्लेइंग इज इम्पॉर्टेंट और प्लेइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो भी आपको लगता है, एंड बिकॉज, बिकॉज यानी आगे क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप उसका रीजन लिखेंगे। थैंक यू किड्स, दैट्स ऑल फॉर योर वर्कशीट टुडे, आई होप यू ऑल हैव लॉट्स ऑफ फन डूइंग दिस टुडे।